Students, welcome to my Vyas Study Pro YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is the part of geography. This is a lesson number 2 of geography and the lesson name is natural resources, land and soil. ठीक है, तो आज हम geography का second lesson पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है natural resources, land and soil. नेचुरल रिसोर्सेस मतलब नैसर्गिक स्रोत, जो जिसके कौन से स्रोत आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, लैंड एंड सॉइल मतलब जमीन और मिट्टी है ना, इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे. तो इसमें हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल कैरेक्टर्स फॉर एंड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, सॉइल इरोजन एंड सॉइल एग्जर्शन, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं. और ये जो आज हम इस लेसन में, इस लेसन के दो पार्ट होने वाले हैं. आज का ये जो पार्ट है, पार्ट वन है. ठीक है, आज के पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जो बाकी जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया लैंड और सॉइल है. तो लैंड जो है वो कैसा रिसोर्स है नेचुरल का. लैंड रिसोर्सेज सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन काइंड, है ना. लैंड मतलब क्या होता है, जमीन. जमीन हम किसके लिए यूज करते हैं, रहने के लिए, है ना. वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं और वहाँ पे हम रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और अपने अपने जो मतलब अपने लिए क्या करते हैं, हम उसको डेवलप करते हैं, है ना. इसके लिए हम लैंड का यूज करते हैं. और जो सॉइल है, सॉइल का यूज किस लिए होता है. सॉइल इज अवर प्राइम रिसोर्स एज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इट, है ना. सॉइल जो एक प्राइमरी रिसोर्स है अपने मतलब प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए और अपने ह्यूमन लाइफ्स के लिए भी. तो ये हमारे ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होती है, डिपेंड. हम जो है इस सॉइल पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों चीजों से हम इस पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो हम पहले लैंड के कुछ पार्ट्स देखेंगे. लैंड में कौन कौन से हम पार्ट्स देखने वाले. लैंड जो है, जमीन जो है वो कैसे होती है, मतलब हर तरीके की अलग अलग टाइप की जमीन होती है ना. कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं प्लेट्यूज होते हैं और कहीं माउंटेन्स. माउंटेन्स भी मतलब इसके ऐसे तीन पार्ट है, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स. प्लेन्स जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लैंड रिसोर्स आर फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. इंसानों के हैबिटेशन के लिए, उनकी आदतों के लिए, उनके लैंड रिसोर्सेस के लिए कौन से लैंड हम यूज करते हैं. प्लेन्स मतलब पूरी प्लेन ऐसे जो जमीन होती है उसको हम यूज करते हैं, है ना. प्लेट्यूज क्या है, प्लेट्यूज हैव अ हैबिटेबल क्लाइमेट एंड देयर फ्लैट टेरेन प्रमोट सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जो प्लेट्यूज है उसका हम यूज किस लिए करते हैं, मतलब वहाँ के क्लाइमेट का हैबिट होने के लिए और वहाँ के जो सेटलमेंट है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के लिए प्लेट्यूज की जगह पर लोग रहते हैं, है ना. और माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स किस लिए हम यूज करते हैं. माउंटेन्स आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. माउंटेन जो है वो बहुत ही कम यूज होता है ह्यूमंस के लिए, ड्यू टू देयर डिफिकल्टी ऑफ टेरेन एंड कोल्ड क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट, है ना. वहाँ के जो क्लाइमेट होती है वो उसके को कैसे होती है, कोल्ड होती है. तो इसलिए हम जो इंसान है ज़्यादातर तो उसका यूज़ हमारे लिए कम होता है. दे कैन बी यूज फॉर टूरिज्म एंड रिक्रिएशन. वो जो किस लिए यूज होता है, टूरिज्म के लिए मतलब पर्यटन के लिए और वहाँ पे कुछ रिक्रिएशन करने के लिए माउंटेन्स का यूज होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे सॉइल. सॉइल में कौन कौन से सॉइल टाइप्स होते हैं, है ना. एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल और सेलाइन सैंडी सॉइल. ऐसे कुछ सॉइल के जो पार्ट्स है वो हम लेसन में उसको डिटेल में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. लैंड एंड सॉइल आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड और सॉइल जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबायोटिक नेचुरल रिसोर्स है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ दिस रिसोर्सेज, हाउ दे आर इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ एंड वाई वी नीड टू यूज देम जुडिशियली फॉर सर्वाइवल एंड
डेवलपमेंट। आज हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या कुछ ऐसे कीवर्ड्स को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है, और अपने अर्थ पर रहने के लिए हमें उनकी किस तरह टाइप से जरूरत होती है और वहां पे हम किस तरीके से सरवाइव करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लैंड। लैंड रिसोर्सेज मीट मेनी ऑफ अवर बेसिक नीड्स एंड सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। लैंड जो है वो हमारा एक बेसिक नीड है जहाँ पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं और डेवलपमेंट करते हैं वहाँ पे रहने के लिए। लेट अस आउटलाइन व्हाई लैंड इज कंसिडर्ड सच अ मेजर रिसोर्स। हम ये जान देखेंगे कि लैंड जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेजर रिसोर्स कैसे है बना है। लैंड इज यूज टू बिल्ड होम्स, ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट। लैंड जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रिक्वायरमेंट्स जो भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए लैंड की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल रियरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप ऑन लैंड। जमीन पे हम ये बाकी की चीजें करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना, और इंडस्ट्री, कारखाने वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए जमीन की जरूरत होती है। दस लैंड यील्ड्स फूड एंड रॉ मटेरियल्स, लैंड गिव अस सोर्सेस ऑफ बोथ सर्वाइवल एंड इनकम। लैंड जो है वो मतलब एक फूड और रॉ मटेरियल्स के लिए यूज होती है, मतलब जहाँ पे हम खाना उगाते हैं ना खेती में, और कुछ रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। और लैंड जो है वो बहुत ही लैंड हमें ऐसे कुछ सर्वाइवल और इनकम्स की चीजें वो हमें अवेलेबल करके देती है। लैंड प्रोवाइड्स अस विद मेनी सीनिक स्पॉट्स दैट ह्यूमंस विजिट फॉर रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। जो लैंड जो है वो हमें कुछ ऐसे नई नए ऐसे मतलब बहुत ही सीनरी टाइप स्पॉट्स वगैरह हमें देती है जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत ऐसे जगह वगैरह जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ रिक्रिएशन कर सकते हैं और वहाँ की सुंदरता को या वहाँ के सारी चीज़ों को हम उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लैंड यूज। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बाई ह्यूमंस फॉर वेरियस पर्पजेज इज नोन एज लैंड यूज। मतलब लैंड का यूटिलाइजेशन करना ह्यूमंस के लिए अलग अलग तरीके से उसका यूज करना, है ना, उसी को हम लैंड यूज कहते हैं। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया इन अंडर फॉरेस्ट, 26% अंडर पास्चर एंड 1% अंडर परमानेंट क्रॉप्स, 10% इज एरेबल लैंड एंड 31% इज अंडर अदर यूजेस। इसमें बताया है कि अपने जो अर्थ के जो 32% लैंड है टोटल, वो पूरी जंगल में अंडर, जंगल के अंडर में आते हैं, मतलब उस 32% में पूरा क्या है, जंगल है, 26% में कुछ ऐसे पास्चर्स है और कुछ 1% जो है वो परमानेंट क्रॉप्स है वहाँ पे, मतलब परमानेंट उगाने की जो क्रॉप्स है, 10% जो है वो अरेबल लैंड है, अरेबल मीन्स जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, 31% जो है वो अदर कुछ चीज़ों के यूजेस के लिए है। इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है। द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज लिमिटेड ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स पुट बाय द एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। और कुछ ऐसे जो लैंड का जो एरिया है वो पूरा कल्टीवेशन के अंडर में आता है जहाँ पे कुछ ऐसे फिजिकल इन्वायरमेंट्स वहाँ पे किए जाते हैं। लैंड यूज बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। लैंड के कुछ बेसिक ऐसे फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स है, तो पहले हम फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे। द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आते हैं, रिलीफ, आराम और मिट्टी आती है उसमें, सॉइल और वहाँ का क्लाइमेट और पानी की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलीफ। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू प्लेन्स, प्लेटूज एंड माउंटेन्स। रिलीफ में वो तीन टाइप में डिवाइड हुआ है अपनी लैंड, किसमें, प्लेन्स और दूसरा प्लेटू और दूसरा माउंटेन। ठीक है, प्लेन्स आर ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल लैंड रिसोर्स एंड ऑल्सो द मोस्ट फेवरेबल वन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन,
ना, मतलब इंसानों के हैबिटेशन के लिए, उनके चीजों के लिए, जरूरत की चीजों के लिए प्लेन्स के लैंड का यूज किया जाता है। ट्रैवल एंड फूड प्रोडक्शन आर इजी हियर। इस प्लेन्स पर ट्रैवलिंग और फूड प्रोडक्शन बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। सम ऑफ द मेन एग्जाम्पल आर मिसिसिपी, मिस मसूरी प्लेन्स, द अमेजन बेसिन एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। इसमें सबसे जो लैंड मतलब प्लेन्स के लैंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है, जैसे जैसे एक है मिसिसिपी मिसोरी प्लेन्स है जो यूएसए में है, दूसरा है अमेजोन बेसिन जो साउथ अमेरिका में है, और तीसरा है इंडो गैंगेटिक प्लेन जो अपने इंडिया में है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट है कौन सा, प्लेट्यू, वो देखेंगे। प्लेट्यूज प्लेट्यूज आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज दे हैव अ हैबिटेबल क्लाइमेट। प्लेट्यूज जो है वो दूसरा एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए बहुत ही हैबिटेबल होता है। देयर फ्लैट टेरेन प्रोमोट्स सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसका जो यूज है वो हम किस लिए करते हैं, सेटलमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। मेनी ऑफ देम आर रिच इन माइनर वेल्थ। वहाँ पे मतलब वहाँ की जो संपत्ति है या वेल्थ है वो बहुत ही मिनरल वेल्थ वहाँ पे ज्यादातर हमें मिलती है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यूज आर द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, मोंगोलियन प्लेट्यू इन सेंट्रल एशिया एंड कोलोराडो प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका। ये कुछ एग्जाम्पल अभी बताए हैं। डेक्कन प्लेट्यू है जो अपने इंडिया में है, दूसरा प्लेट्यू जो है मोनोगोलियन प्लेट्यू जो सेंट्रल एशिया में है, और तीसरा है कोलोराडो प्लेट्यू जो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे माउंटेन्स। द डिफिकल्टी ऑफ टेरेन एंड कोल्ड क्लाइमेट मेक माउंटेन्स लेस इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ये जो माउंटेन है ये यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही कोल्ड होता है, इसलिए ये ज्यादातर मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है ह्यूमंस के लिए, बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाउ एवर एज अ रिसोर्स दे कैन बी यूज फॉर टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। इसका जो यूज है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए और टूरिज्म के लिए और रिक्रिएशन के लिए किया जाता है। सम मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड आर द हिमालयाज एंड एंडीज। जो दो ऐसे मेजर माउंटेन बताए गए, पहला है हिमालया, हिमालय पर्वत जो एशिया में है, और दूसरा है एंडीज जो साउथ अमेरिका में है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल। द सॉइल कंडीशन इन अ रीजन डिटरमाइंस इट्स लैंड यूज। फर्टाइल सॉइल्स आर अ बून टू एग्रीकल्चर एज मोर लैंड कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। जो सॉइल की जो कंडीशन, जो स्थिति होती है हर एक रीजन की, हर एक अलग अलग प्रदेश की, वो किस पर डिपेंड होती है, लैंड के यूजेस पर डिपेंड होती है। फर्टाइल सॉइल जो है वो खेती बाड़ी करने के लिए हमें यूज होती है ना, और जो कुछ ऐसे दूसरी जो लैंड होती है वो हमें ज्यादातर कल्टीवेशन करने के लिए यूज होती है। इनफर्टाइल सैंडी सॉइल ऑन द अदर हैंड मे बी लेफ्ट एज वेस्ट लैंड्स और ग्रेजिंग लैंड्स। जो इनफर्टाइल जमीन होती है जहाँ पे बहुत ही सैंडी सॉइल होती है, इनफर्टाइल सैंडी सॉइल होती है, वो मतलब एक वेस्ट लैंड में जाती है, या फिर उसको ग्रेजिंग लैंड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट हम देखेंगे वहाँ, क्लाइमेट। लैंड एरियाज इन द सब ट्रॉपिकल एंड माइन लैटिट्यूड जोन्स हैव क्लाइमेट्स दैट आर सुटेबल फॉर सेटलमेंट एंड मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो लैंड एरिया जो होती है वहाँ के जो मतलब सब ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड जोन में आते हैं लैंड एरिया, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है, और वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग लैंड यूज। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लैंड का यूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वहाँ का टेम्परेचर ही होता है। इट इज क्लियर दैट द पोलर एरियाज विथ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स एंड स्नोफॉल वुड नॉट हैव मच कल्टिवेबल लैंड रिसोर्सेस। और जो पोलर एरियाज जो होते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ वगैरह गिरती है, तो उसको पोलर एरिया जो कहा जाता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही सबसे ज्यादा लो होता है, सबसे ज्यादा कम होता है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पे हमेशा स्नोफॉल गिरती रहती है, तो वहाँ का जो लैंड रिसोर्स है वो बहुत ही मतलब किसी ज्यादातर काम का नहीं रहता है।
ठीक है। अब हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की कितनी अवेलेबिलिटी होती है। डेजर्ट डू नॉट हैव इनफ वाटर सप्लाई व्हाइल इक्वेटोरियल रीजंस विद डेंस रेनफॉरेस्ट हैव टू मच ऑफ इट ड्यू टू हेवी रेनफॉल। डेजर्ट में बहुत ही कम पानी सप्लाई होता है, अगर वहाँ पे मतलब वो एक इक्वेटोरियल रीजन होता है तो वहाँ पे अगर रेन फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हुई, मतलब ज़्यादा भारी बारिश हुई तो वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। बोथ ऑफ देम आर नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो मतलब ऐसे जो लैंड होते हैं वो हैबिटेशन के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए दोनों के लिए भी सुटेबल नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर्स। द नंबर ऑफ पीपल इन रिलेशन टू द लैंड अवेलेबल विल डिटरमाइन हाउ लैंड इन एनी एरिया विल बी यूटिलाइज। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ द लैंड शुड बी यूज, हाउ मच ऑफ इट इज अवेलेबल एंड फॉर वॉट पर्पोज। इसमें बताया है कि नंबर ऑफ जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लैंड के रिलेशन में आते हैं, है ना, लैंड जमीन के रिलेशन में ही आते हैं ज़्यादातर, और जमीन जो है उसको वो यूटिलाइज करते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक जो विकास है वो ज़्यादातर लैंड से ही जुड़ा हुआ होता है। लैंड को यूज़ करके ही हम ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी वगैरह जो है वो लैंड पे डिपेंड होती है ना, बिना खेती और खेती बाड़ी में ही ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी पीपल यूज ऑल्सो डिटरमाइंस द लैंड यूज पैटर्न, वेयर पीपल यूज मोर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स द एरिया अंडर कल्टिवेशन इज लार्जर। इन सच एरियाज लैंड इज कल्टिवेटेड मोर देन वंस इन अ ईयर एंड नॉट लेफ्ट फॉलो। तो यहाँ पे बताया है कि जो टेक्नोलॉजी है लोगों की, मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लोग, उनके कुछ लैंड उस वो लैंड के कुछ अलग अलग पैटर्न की तरह उसका यूज करते हैं। कहीं के जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर के मेथड में लैंड का यूज़ करते हैं, तो कोई लोग उसका कल्टीवेशन करते हैं, तो कोई जो लोग हैं वो उसके मतलब अपने लैंड के जो एरिया को अलग अलग टाइप में उसको मतलब हर अलग 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 सालों में उसका अलग अलग टाइप से उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लैंड यूज इन इंडिया सम सैलियंट एस्पेक्ट्स। इंडिया में लैंड का, जमीन का किस तरह से यूज होता है। इन इंडिया 43% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज प्लेन लैंड, 27% इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज एंड 30% इज माउंटेन। अपने इंडिया में 43% जो लैंड है वो लोगों के यूज के लिए है, मतलब प्लेन लैंड है। 27% जो लैंड है वो पठारे है, वहां पे प्लेट्यूज है, और 30% में माउंटेन्स है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ अरेबल लैंड एरिया इज क्वाइट हाई, मतलब जो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अपना जो लैंड एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को मतलब क्लियर किया गया, मतलब जंगलों की कटाई की गई है, किस लिए, एग्रीकल्चर और अपना सेटलमेंट करने के लिए। The net shown area has increased by about 19% since 1950 for India, where 70% of the population depends on agriculture. This is important. तो अपने 1950 में अपने इंडिया में 70% इतनी population किस पर depend हो गई थी, agriculture के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर। According to a World Bank report released in 2011, India has barely 23.2% land area under forest. This calls for massive reforestation schemes. World Bank की report के अनुसार 2011 में जब World Bank का report release हुआ था उसके अनुसार अपने इंडिया में 23.2% जो land है वो जंगलों के अंडर में है, मतलब इतने परसेंट की जमीन पे ज्यादातर जंगल ही बसे हुए हैं, और इसी को मैसिव रिफॉरेस्टेशन स्कीम कहा जाता है। द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूड्स लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, दैट इज सेटलमेंट्स एंड नॉन कल्टीवेबल बैरन लैंड इन हाईली और माउंटेनस एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज। जो लैंड है
वो ज्यादा कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। ज्यादातर जो नॉन एग्रीकल्चरल मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी यू कर नहीं सकते, ऐसी जमीन को कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है और वहाँ पे सेटलमेंट की जाती है। और नॉन कल्टीवेटर जो लैंड पे बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन्स के एरिया को वो उसमें गिनाया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड नीड्स टू बी इंक्रीज टू फीड द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द कंट्री। रिक्लेमेशन स्कीम्स कैन बी प्लान टू ब्रिंग सम ऑफ द वेस्ट लैंड अंडर कल्टीवेशन। जो परमानेंट जो ग्रेजिंग लैंड्स है मतलब जहाँ पे परमानेंट कुछ ऐसे क्रॉप्स है ग्रो हुए हुए, उनकी जो इंक्रीजिंग है वो ज्यादातर पॉपुलेशन मतलब कंट्री के पॉपुलेशन के ऊपर उसकी इंक्रीजिंग होती जा रही है। और जो कुछ ऐसे स्कीम्स वगैरह बनाए गए हैं जमीन के ऊपर है ना, जैसे जो वेस्ट वगैरह जमीन होती है उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इस लेसन का पार्ट 1। आज के इस पार्ट 1 में हमने जो पॉइंट्स देखे हैं वो यहीं पे खत्म होते हैं, और जो बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम अगले पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 1 में जो जो भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे लैंड और सॉइल के बारे में जो भी जानकारी ली है उसके ऊपर अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।